देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा था, डीप लैग एलिमेंट के अगर वेरियस क्वेश्चंस करना है अपने को, तो बेटा हमको क्या चीज पता होना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, जो डीप लैग एलिमेंट के क्वेश्चन है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कापर और जिंक, ये है बेटा आपकी 3D सीरीज। क्या बेटा? अब ये जो 3D सीरीज, देखो डीप लैग एलिमेंट का कोई भी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करना है तो हमको एग्जांपल देना है 3D सीरीज से। कहाँ से देना भाई? 3D सीरीज से एग्जांपल देना है बेटा, ये हमारे एक्चुअल सिलेबस में। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो 4D और 5D के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आ रहा है समझ में? लेकिन 12th लेवल पर 3D सीरीज से ही सभी आंसर देना है आपको, और जब लगभग जो प्रॉपर्टी 3D की होगी वही 4D की होगी, वही 5D की होगी। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा वेरिएशन होते रहता है बस। अब देखिए बेटा, आपको जो मेन चीज पता होना, देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आप इन एलिमेंट बात नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, और किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हो कि सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे ईजी वे में क्लियर भी हो जाए, बन जाए, और बहुत सारे MCQs भी आपसे बन जाए, तो आपका सबका एक ही काम है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो 3D सीरीज वाले एलिमेंट है, या इट्रियम से लेकर केडमियम तक, या लेंथेनम से लेकर मरकरी तक, किसी भी सीरीज का आपको आउटर, हर एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना, उससे बेटा आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर लिखने में आपको सपोर्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो लिखिए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप पहले हेडिंग डालना बेटा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। 3D से हम लोग पूरे क्वेश्चंस करेंगे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। तो बेटा स्कैंडियम है बेटा 21, एटॉमिक नंबर 21 है किसका बेटा? स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसको शॉर्टकट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3D1, 4S2, 22, 18 टू 20 और ये क्या बेटा 21। अब बेटा टाइटेनियम 22, आर्गन 18, पहले इनको बच्चे टाइप के सब लोग लिख लो, 3D2, 4S2। वेनेडियम 23, आर्गन 18, थ्री डी थ्री फोर एस टू। क्रोमियम 24, आर्गन 18, 3D5 4S1। मैंगनीज 25, आर्गन 18, 3D5 4S2। हर क्वेश्चन लगभग यहीं से बनना है बेटा आपका, इसलिए याद रखो कई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। बस ये 3D सीरीज या 4D या 5D के, आप अब 4D का लिखना है तो 3D की जगह 4D कर दो, 4 की जगह 5 कर दो, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो आप 4D सीरीज का लिख लोगे। समझ में आ रहा है ना? आयरन बेटा 26, बिल्कुल जुबान पे ये सब याद होना इमीडिएट क्वेश्चन बनाने के लिए, 3D6 4S2। कोबाल 27, आर्गन 18, 3D7 4S2। निकल 28, आर्गन 18, 3D8 4S2। कापर 29, आर्गन 18, एक्सेप्शन बेटा आप बाउ रूल में फिर आया, 3D10 4S1।
एक एक्सेप्शन कहाँ मिला बेटा आपको? क्रोमियम में, और दूसरा कहाँ मिलेगा? कॉपर में। और बेटा जिंक 30, आर्गन 18, 3D 10, 4S2। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये पता होना, उसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का लॉजिक या रीजनिंग आंसर इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है बेटा? क्योंकि एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करता है। छाप लिए सबने? ऐसे वोरली याद होना इमीडिएट, बिल्कुल फटाफट। तो मिटा दूं मैं इसको, देखना कैसे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन लिखो पहले। राइट द फीचर्स ऑफ, या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए बेटा, जो ये आपने लिख के लग रही है, इसका काम आगे आ गया। ये बस आपके जुबान पे याद चाहिए, सब कमिटमेंट कर लो अपने आप से। समझ में आ रहा है ना? फिर देखो कितना मजा आता है आपको हर क्वेश्चन करने में। ध्यान देना बेटा, देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा पूरी की पूरी मेटल्स है। क्या है? पूरे मेटल्स है। एस ब्लॉक में पूरे मेटल है, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन। पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटलॉइड्स भी है। तीनों टाइप के एलिमेंट बेटा पी ब्लॉक में है। समझ में आ रहा है ना? अब बात करेंगे डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के मेटल एलिमेंट्स के बारे में, अच्छा ये बताइए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दे आर द एस ब्लॉक मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, दे आर द एस ब्लॉक मेटल। ये एल्कलाई मेटल और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब बेटा आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका हुआ बेटा? पी ब्लॉक। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो स्मॉल साइज किसका हुआ? पी ब्लॉक का। लार्ज साइज मेटल्स कौन सी हुई? एस ब्लॉक। तो इंटरमीडिएट साइज किसका होगा? आपको मालूम है बेटा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो साइज के क्या होता है? इनवर्स। ये सब बेसिक फार्मूले इनऑर्गेनिक को जानने के लिए। और आईपी बहुत से कैरेक्टर को डिसाइड करता है बेटा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक फार्मूले हैं पूरी इनऑर्गेनिक के लिए, हमेशा याद रखेंगे। आपको मालूम है कि आईपी क्या है? बोलो। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं आईपी का। रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेज ऑफ एनी एटम। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी आप लगाओगे उसको क्या बोलते हैं बेटा? आईपी। और जितना साइज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। साइज को कौन डिसाइड करता है बेटा?
साइज हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है बेटा, प्रपोर्स इनवर्स होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्स होता है क्या बेटा, साइज। और साइज स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होता है, प्रपोर्शन। ये दो फैक्टर है, एक ये वाला और एक ये वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सभी फार्मूले मैं तो बोलता हूं पहले आप लिख तो डालो अपने नोट करके सब, तो ये फार्मूले एस ब्लॉक में भी काम आने वाले हैं और पी ब्लॉक में भी काम आने। बेटा ये किसी भी एटम के साइज को दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम करेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाएगा। चलिए फार्मूले लिख लो, पहले पूरे टूल्स लिख डालो इनऑर्गेनिक के आंसर देने के लिए। साइज प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट या साइज इनवर्स टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, बोलो, नंबर ऑफ सेल। ये सब फार्मूले लॉग में काम कर चुके हैं हम लोग, सभी फार्मूले लॉग में काउंट कर चुके हैं भाई। तो यही देखो, जब किसी चीज का आंसर लिखना है तो यही फैक्टर्स, यही शब्द, यही टर्म आपको वहां यूज करना है। ये दो फार्मूले हो गए। अब देखो बेटा, जो आईपी होता है वो साइज के क्या होता है, इनवर्स। अब जो ये कैरेक्टर है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, आ रहा है समझ में। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, पूरे फार्मूले लिख दो जुबान पे, याद रखो, तब मैं जाके अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूं। ये इनवर्स टू आईपी, बस हो गया पूरे खेल खत्म। ये इन फार्मूले के कॉम्बिनेशन से आप बहुत से क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, मेटालिक प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, आईपी के इनवर्स, आईपी साइज के इनवर्स, और साइज स्क्रीन इफेक्ट के प्रोपोर्शनल, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए दूसरा वर्ड यूज करो, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या जेड इफेक्टिव। समझ में आ रहा है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव भी बोला जाता है। या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, ये पूरे फार्मूले से आपका मेटल के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में पूरी मेटल्स हैं। तो इन्हीं फार्मूले, बिल्कुल फार्मूले छाप के रखो अपने दिमाग पे। हाँ तो बेटा, आपने क्वेश्चन क्या लिखे थे, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। तो देखो, डी ब्लॉक मेटल का जो साइज है बेटा, वो एस ब्लॉक के कंपेयर में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज। क्यों लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट तो स्क्रीन इफेक्ट लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होने के साथ साथ वन बाय वन क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, वो एटॉमिक नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर मींस न्यूक्लियर चार्ज। तो याद रखना, लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। ओके, तो लिखिए नंबर वन, द साइज ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, पहला कैरेक्टर, द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल लेस देन एस ब्लॉक मेटल, बट लार्जर कंपेयर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। आपको कोई चीज रटना नहीं है, आप हर टूल्स अपने पास रखो। तो क्या आपने सही लिखे हो, हाँ, लेस देन एस ब्लॉक मेटल, लेकिन किससे बड़े होंगे बेटा,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बड़े होंगे, पी ब्लॉक मेटल मत लिखना क्योंकि पी ब्लॉक में तो सभी टाइप के एलिमेंट्स हैं, समझ में आ रहा है ना। दूसरा, द आईपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्सट्रीमली हायर कंपेयर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सट्रीमली हायर बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली हायर कंपेयर देन बोलो एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक से कंपेयर नहीं करूंगा, पी ब्लॉक में मेटल नहीं है ना बेटा, दूसरे मैं मेटल से कंपेयर करूंगा। नंबर थर्ड, दे आर इनएक्टिव मेटल या लिस्ट एक्टिव मेटल कंपेयर देन एस ब्लॉक, दे आर लिस्ट एक्टिव मेटल कंपेयर देन एस ब्लॉक, कम एक्टिव होती है। क्यों होती है? तो आंसर आपके पास है देखो, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किसके इनवर्स, आईपी ज्यादा है ना इनका, आए तो एस ब्लॉक की मेटल से इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। हर चीज के आंसर आपके पास है, लेकिन इनके देखो ये मैं अभी सुनो, मैं यहां 10-12 प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, फिर हर एक प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन चलेगा। अभी ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, और हर एक प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए बेटा, नीचे एफ ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी क्या है बेटा, मेटल है। एस ब्लॉक भी क्या है बेटा, मेटल है। पी ब्लॉक में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन और लेड, ये भी क्या है बेटा, मेटल है। बाकी तो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। तो इन सभी मेटल्स के कंपेयर में, चाहे वो एस ब्लॉक की हो, चाहे वो एफ ब्लॉक की हो, चाहे वो, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है, एबनॉर्मल होती है। आ रहा है समझ में? तो वो क्यों होती करके बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा, वही वाले तैयार करना है आपको बोर्ड एग्जाम में, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट क्या लिखे, द लिस्ट एक्टिव मेटल्स, ठीक है बेटा, ओके। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन से नंबर का पॉइंट है भाई, फोर्थ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स ई नॉट है ना, और ई नॉट का मतलब ई रेड है कि ऑक्स है, बोलो, या ई जीरो वैल्यू करके लिखो, आर ई जीरो वैल्यू, अच्छे से पढ़े इसको। अच्छा बताओ बेटा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लगभग 90% के ऊपर ऐसी मेटल है डी ब्लॉक की जो हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर है मीन्स इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। और कल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी का क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है। तो लेना बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जीरो वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इज ऑप्टेन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों टाइप का मिलता है, नेगेटिव भी और जब किसके साथ अटैच कर रहे हैं, SHE, किसके साथ, SHE तो नहीं ना, लेकिन बट मोस्टली मेटल्स हो नेगेटिव इज जीरो वैल्यू, बट मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स हो नेगेटिव इज जीरो वैल्यू। अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं हम लोग, केवल चार ही तो मेटल याद करने बोला हूं, कौन कौन सी बेटा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इनका ई जीरो वैल्यू क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। बाकी जितनी भी जिंक है, क्रोमियम है, निकल है, इनका ई जीरो वैल्यू क्या होता है बेटा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? मोस्टली ये हर एक पॉइंट देखो, ये अपने आप में क्वेश्चन है, और
इनके हर एक पॉइंट को फिर डिस्क्राइब करना बड़े बड़े क्वेश्चन से हो गया, समझ में आया? आप देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट ए की मेटल है, ध्यान दो, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए की मेटल है बेटा, ये फिक्स वैलेंसी शो करती क्या? ड्यूरिंग रिएक्शन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनएस1 है, ये हमेशा प्लस टू फिक्स वैलेंसी पॉजिटिव प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगा। लेकिन जो डी ब्लॉक की मेटल है प्लस वन से लेकर प्लस सेवन तक, प्लस वन टू प्लस सेवन तक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी शो करती है। नेक्स्ट ना बेटा, डी ब्लॉक मेटल शो या ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, उस शब्द को अंडरलाइन करना, ये किसका कैरेक्टर है बेटा? डी ब्लॉक मेटल। क्या एस ब्लॉक मेटल वेरिएबल शो करती है? फर्स्ट ए की मेटल केवल प्लस वन की कंपाउंड बनाएगी, सेकेंड ए की मेटल केवल प्लस टू के कंपाउंड बनाएगी, थर्ड ए की मेटल है प्लस थ्री के कंपाउंड बनाएगी, फोर्थ ए कार्बन ग्रुप की जो टीन और लेड मेटल है वो प्लस फोर के कंपाउंड बनाएगी। लेकिन ये प्लस वन से लेकर मीन्स जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो वन इलेक्ट्रॉन से लेकर सेवन इलेक्ट्रॉन तक रिलीज कर सकती है। आ रहा है समझ में? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, हाँ ये वेरिएबल वाले को इंपॉर्टेंट करो, उसका अलग से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट करो, अलग से 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट, ट्रांजी डाल गया बेटा द एमपी, नेक्स्ट पॉइंट, द एमपी एंड बीपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, द एमपी एंड बीपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्थ मध्य प्रदेश एंड बिहार, द एमपी एंड बीपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अरे भाई एक्सट्रीमली हाइयर कंपेयर देन अदर मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रीमली हाइयर कंपेयर देन द अदर मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब बोलेगा वाई, डिस्क्राइब, समझाइए, इसका भी 3-4 नंबर का, इसको भी इंपॉर्टेंट कर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर, एक्सट्रीमली हाइयर कंपेयर अदर मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल, नहीं आए समझ में? ठीक, तो इसका भी क्वेश्चन बनाएगा बेटा, क्यों बोलेगा बताओ क्यों? समझ में आ रहा है? और याद रखना, हर एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन से एमसीक्यू भी निकालता है, आप देख लेना कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एमसीक्यू है या नहीं है, देख लेना, समझ में आ रहा है ना? आगे लिखो, देखिए बेटा, जितने भी हमारे नेचर में एलॉयज होगी, क्या बेटा? उसमें ट्रांजिशन मेटल कंपलसरी है ना, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन निकाल लेना, ये भी पूछता है अलग से, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज या मोस्टली एलॉयज फॉर्म बाय, ठीक है? तकलीफ में कोई कमी? नेक्स्ट, लिखते जाओ, कितने पॉइंट हुए, कितने कैरेक्टर लिख रहे हैं? 8th लिखो, बेटा ट्रांजिशन मेटल क्या लिख रहा हूं देखो बेटा, मेटल फॉर एम न्यूट्रल हुई, ट्रांजिशन मेटल आयन आर, आयन मीन्स एम एन प्लस लिख दो, आर देयर कंपाउंड मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयन आर देयर बेटा, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट करो, 3-4 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन बनाएंगे, सो मैग्नेटिक नेचर, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल
आयन आर देयर क्या शो करते हैं बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कई टाइप की होती है, डाई मैग्नेटिक होती है, अगर वो मैग्नेट पैरा मैग्नेटिक होगा, फेरो मैग्नेट, फेरी मैग्नेट, एंटी फेरो मैग्नेट, कई टाइप की होती है। तो ये इनमें क्या भला है देखेंगे, समझ में आ रहा है? इसका 3 to 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन बनाएगा, इंपॉर्टेंट करो। ये अपने आप में देख क्वेश्चन है, लेकिन इसका हर एक पॉइंट एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर बोलेगा क्यों, समझाइए, डिस्क्राइब करो, रीजन बताओ, कॉज बताओ, समझ में आ रहा है ना? लिखो नेक्स्ट। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयन आर देयर कंपाउंड सो कलर, कलर शो करते हैं बेटा, सो इसका भी आंसर, इनको भी इंपॉर्टेंट करो। सो कलर करके जगह के प्लेस पे आर कलर बन लेना, आर कलर्ड या सो कलर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बड़े ये ऐसा इनमें नहीं होता है, एस ब्लॉक मेटल आयन या मेटल के कंपाउंड कलर शो, और ये कलर शो भी करते हैं तो कोई क्रिस्टल डिफेक्ट के कारण कर सकते, जो एफ सेंटर वगैरह पड़े थे हम लोगों ने, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन इनके कंपाउंड या इनके आयंस कलर्ड नेचर जरूर शो करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आर आयंस, इंपॉर्टेंट करो इसको भी, इनसे क्वेश्चन आना ही है जितने बोल रहा हूं। ट्रांजिशन मेटल या इसके आयन इबड़ा फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको भी इंपॉर्टेंट करो, इसका भी क्वेश्चन आता है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट भी लिख सकते हो। इसको भी इंपॉर्टेंट कर बेटा। अच्छा कितने इंपॉर्टेंट करवाया मैंने, 5 to 6 क्वेश्चन ही आपको आना है बोर्ड एग्जाम में, लिख के रख लो। बताइए इनका डिटेल, इनका कॉज पूछेगा, इनके रीजंस पूछेगा, ओके? कैरेक्टर तो और लिखो ना। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिटियल STITIAL ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिटियल कंपाउंड, क्या बेटा? इंटरस्टिटियल। इंटरस्टिटियल कंपाउंड आ रहा है समझ में? ये ना तो एस ब्लॉक मेटल इंटरस्टिटियल कंपाउंड बनाती है, ना तो पी ब्लॉक मेटल्स बनाती है, ना तो एफ ब्लॉक मेटल्स बनाती है। कौन बनाती है बेटा? ट्रांजिशन या डी ब्लॉक मेटल ही बनाती है। तो क्यों बनाती है देखेंगे, आ रहा है समझ में? LI यही बनाती है। अरे एक लास्ट, कितने हुए बेटा? ये 12 वालों को इंपॉर्टेंट करो। बेटा ट्रांजिशन मेटल आर देयर कंपाउंड यूज एज कैटलिस्ट, इसका भी क्वेश्चन पूछता है क्यों कैटलिस्ट की तरह यूज दें। ट्रांजिशन मेटल आर देयर कंपाउंड यूज एज कैटलिस्ट इन मेनी ऑर्गेनिक आर इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक आर इनऑर्गेनिक रिएक्शन।
समझ में आ रहे हैं? तुमने इतने सारे प्रॉपर्टी लेके बैठा है, इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर लेके बैठा है, कौन ट्रांजिशन में, और उसमें इसको भी लास्ट वालों को इम्पोर्टेंट कर दो। लेकिन बेटा ये तो ऐसे 5 to 6 जैसे, इनके कलर सोविंग नेचर को एक्सप्लेन करो, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो, इनके कैटलेशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो, इनके एलॉय फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करो, इनके कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो। ये हर साल के पॉपुलर क्वेश्चन है आपके, आ रहा है समय में? और इन्हीं में से हर साल आते हैं, बाकी कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। अब देखिए बेटा, तो ये कैरेक्टर है, क्वेश्चन लिखिए अब एक। डिस्क्राइब ट्रांजिशन मेटल, क्वेश्चन लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नोट्स बना दे रहा हूँ मैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ के जाना बिंदास बिना डर के। डिस्क्राइब ट्रांजिशन मेटल ऑन द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब ट्रांजिशन मेटल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नंबर वन एटॉमिक साइज, ये प्राइमरी क्वेश्चन है बेटा, इनिशियल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आ भी जाता है नहीं भी आता, आने के कुछ चांसेस है भी और नहीं भी, लेकिन प्राइमरी नॉलेज है। नंबर सेकेंड आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नंबर थर्ड डेंसिटी, नंबर फोर्थ कोई दो पूछ ले तो 2 मार्क में, 3 पूछ ले तो 3 मार्क में, 4 पूछ ले तो 4 मार्क में, ऐसा नंबर फोर्थ में लिखना बेटा जो कैरेक्टर है रिएक्टिविटी। नंबर फिफ्थ भी डाल दो, इनमें से कोई 2-3 पूछ लेता है मेटालिक प्रॉपर्टी, तो कैसे आंसर देना है इनऑर्गेनिक में समझ लो। फार्मूला आपके पास है ठीक है, थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं लेफ्ट, और स्टडी कैसे काउंट करना है लेफ्ट टू राइट, समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, सबसे पहले लिखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज भाई देखो आपको मालूम है कि एटॉमिक साइज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स के क्या होता है बेटा इनवर्स, और स्क्रीन इफेक्ट के क्या होता है प्रोपोर्शनल। देखिए बेटा ये पोटेशियम है फर्स्ट ए का मेटल फोर्थ पीरियड में, और ये क्या है बेटा कैल्शियम सेकेंड ए का मेटल। अगर बेटा इसका साइज यहाँ 30 एंग्स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर है इसका 25 एंग्स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा डिक्रीज, और जाहिर है इसका फिर 20 एंग्स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे आगे चलेंगे तो ये देखो बेटा यहाँ डिफरेंस कितने का है 5, यहाँ डिफरेंस कितने का है। अब जैसे आगे चलेंगे बेटा आप तो साइज तो डिक्रीज होगा लेकिन छोटे बड़े का डिफरेंस बहुत कम होगा। ये 20 है तो हो सकता है ये 90 एंग्स्ट्रॉन्ग हो, फॉर एग्जाम्पल ये 90 है तो 18.5 हो, ये 70 हो, ये 16.8 हो, मीन्स यहां भी लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कहां तक बेटा मैंगनीज तक और आयरन तक, लेकिन आयरन कोबाल्ट निकिल का साइज लगभग, और जैसे निकिल के बाद कॉपर टू जिंक चले सब 11th में करवा दिया हूं, तो यहां बेटा साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है टिल क्रोमियम मैंगनीज तक या आयरन तक, और आयरन कोबाल्ट निकल का और आफ्टर निकल कॉपर टू जिंक स्लाइटली बढ़ जाता है, हल्का सा बढ़ जाता है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखिए देखो आप, लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर दोगे तो टूल्स आपके पास होना कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, आ रहा है समझ में? लिखना बेटा इन डी ब्लॉक
इन डी ब्लॉक इन एनी सीरीज, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, इन डी ब्लॉक इन एनी सीरीज टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट इन एनी सीरीज टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली नॉट डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज जबकि कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए ना भाई, कंटिन्यूसली नॉट, ये खास बात है, कंटिन्यूसली नॉट डिक्रीजेस, डिक्रीज होता है, जनरली डिक्रीज होता है, बट कंटिन्यूसली डिक्रीज ठीक है। देखो बड़े साइज डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और बढ़ाने के लिए कौन है? स्क्रीन इफेक्ट कब बढ़ता है बेटा बहन? लेकिन एक बात याद रखना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सेल, किसी एक सेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाई, सेल मत बढ़े, समझना मेरी बात को, नंबर ऑफ, देखो बेटा अराउंड द न्यूक्लियस जब क्या बढ़ेगा बेटा, नंबर ऑफ सेल तो क्या बढ़ेगा, स्क्रीन इफेक्ट, तो न्यूक्लियस से साइज तो वैसे ही बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, जब एक सेल में, किसी भी सेल में क्या बढ़े बेटा, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, लेकिन क्या बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बाय वन बढ़ रहे हैं, मतलब कुल मिला के स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल। अरे यहां 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3D में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3D में थर्ड सेल के डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल के डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल के डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 है यहाँ 6 है यहाँ, 7 है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ना मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आपका सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे दोनों चीज बढ़ती है, कौन सी दोनों चीज, इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जेड की वैल्यू, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पढ़े हैं इलान। लेकिन लेफ्ट टू राइट चलने पर सिग्मा भी बढ़ता है, सिग्मा मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, मीन्स कुल मिला के दोनों चीज बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और इफेक्टिव। अगर स्कैंडियम से आयरन तक साइज छोटा हो रहा है तो क्या आंसर दोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेंट कंपेयर देन, ऐसा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो साइज कम होगा और ये बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। अगर स्कैंडियम से मैंगनीज आयरन तक साइज छोटा हो रहा है तो उसका आंसर कैसे दोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इंक्रीजेस कंपेयर देन आयरन कोबाल्ट निकल में साइज लगभग बराबर है तो आंसर क्या दोगे, बिकॉज इन दिस 3 एलिमेंट द रेशियो ऑफ एंड बिकम कॉन्स्टेंट इन दिस 3 एलिमेंट, ऐसे आंसर देना। और ये कॉम्पिटिशन के भी क्वेश्चन है, और सबसे टफ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के होते हैं जब आते हैं मेडिकल एजी में, आंसर पता नहीं होते। अब कॉपर टू जिंक थोड़ा सा साइज बढ़ गया, इसका मतलब इन आफ्टर निकल इन दो एलिमेंट में मोर डोमिनेंट ओहर, नहीं आया समझ में, लिखो ये कंटिन्यूसली नॉट डिक्रीजेस, आप उसका एग्जाम, आप एक मिनट, ये तो आपने बोल दिया, उसका एग्जाम्पल अब किससे देना है, 3D से, 12th में लिखना सीखो, एग्जाम्पल किससे देना है अब 3D से, 9th पैराग्राफ चेंज, इन 3D सीरीज
फिमरा स्कैंडियम टू आयरन, स्कैंडियम टू मैंगनीज आयरन लिख देना बेटा, मैंगनीज आयरन साइज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। पैराग्राफ चेंज करके पहला पॉइंट लिखना, इसको जो लिख रहा हो पैराग्राफ चेंज पहला पॉइंट करो इसको, स्कैंडियम टू मैंगनीज आयरन क्या बेटा, साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज। आप इसका रीजन लिखना है, बिकॉज इन दिस एलिमेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज इन दिस एलिमेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आ रहा है समझ में, कैसे आंसर देना सीखो। हाँ, नंबर सेकेंड, द साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल इज अप्रॉक्स सेम, द साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल इज अप्रॉक्स सेम बिकॉज इन दिस एलिमेंट द रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव, शॉर्टकट में ऐसा लिखना बेटा, द रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीन इफेक्ट, द रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम कॉन्स्टेंट, द रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव एंड बोला अबाउट कॉन्स्टेंट, लगभग स्थिर होता है, अबाउट कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेकिन जैसे बेटा आप आगे गए कापर टू, बोलो ना, नंबर थर्ड, आफ्टर निकल कापर टू जिंक, निकल को एनआई लिखेंगे, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हैं, आफ्टर निकल कापर टू जिंक, नबड़ा एटॉमिक साइज या साइज स्लाइटली इंक्रीजेस, केवल साइज पे भी इंडिविजुअल दो तीन मार्क के क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक से, क्योंकि एक्सेप्शन है ना बेटा यहाँ, क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो आंसर इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इन दिस एलिमेंट, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्यों स्क्रीन इफेक्ट बढ़ गया, अबे डी टेन हो गया यहाँ, अबे डी पूरी तरह फुलफिल हो गया भैया, अबे एन माइनस वन डी फुलफिल होने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इनर सेल आउटर सेल को धक्का मारेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ जाए, नहीं आया समझ में, हाँ क्या लिखे, बिकॉज इन दिस एलिमेंट क्या बेटा स्प्रिनिंग इफेक्ट मोर डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीन इफेक्ट मोर डोमिनेंट ओवर इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आ गया समझ में, आपको याद करना है कि थोड़ा दिमाग लगाना है, कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए आज क्वेश्चन स्पेशल बनाया है आप बेटा, लेकिन आपको टॉप टू बॉटम की भी बात करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम आप किसी भी छोटी बेटा टॉप टू बॉटम आएंगे, स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम एक्टिनियम टाइटेनियम जिरकोनिया हाइपनियम कैलिफोर्नियम, तो यहाँ एक एक्सेप्शन हमने इलाज में दे चुके हैं कि जेडार का साइज किसके इक्वल होता है बेटा, एचएफ के, एक्सेप्शनल केस है, तो कारण क्या बताओगे इन दोनों में, कारण तो वही बताओ, अच्छा टॉप टू बॉटम कौन बढ़ रहा है, तो स्क्रीन इफेक्ट हमेशा मोर डोमिनेंट ओवर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा बेटा, यहाँ फोर सेल है, यहाँ फाइव सेल है, यहाँ और यहाँ सेवन सेल है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोसल का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इन एनी ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक, नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ चेंज, इन एनी ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल,
स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डज एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम डज एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम तकलीफ में कोई कमी ओके अब देखिए बेटा थ्री डी बछवा थ्री डी सीरीज में जिंक बहुत ही बड़ा है बेटा स्कैंडियम से थोड़ा ही छोटा लेकिन बाकी सबसे बहुत बड़ा हो जाता है कौन जिंक तो इधर कापर के नीचे कौन है सिल्वर और इधर नीचे इधर किसके आगे कौन है इधर सिल्वर के नीचे कौन है गोल्ड और इधर कौन है अब देखो बेटा इस सीरीज में जिंक बड़ा हाँ बोला तो इस सीरीज में कैडमियम बड़ा और इस सीरीज में और तीनों में कौन बड़ा क्योंकि टॉप टू बॉटम फिर से साइज तो मरकरी की इतनी हालत खराब रहती है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है क्यों साइज बड़ा होने से मेटलिक बॉन्ड लेंगे तो बहुत कम है लूज हो जाता पूरा नहीं आया समझ में अरे डी ब्लॉक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे आपको भी होश में रहना है लेकिन आपको आते कौन से पाँच से छः क्वेश्चन आएंगे लिख के रख लो इम्पोर्टेंट ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा क्योंकि आपको जेई वेई भी देना है तो छोटी छोटी चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं बेटा 5D और 6D से भी सीरीज से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा हमारे सिलेबस में नहीं है हमको जो भी क्वेश्चन के आंसर देना है एग्जाम्पल के फॉर्म में कहाँ से देना है 3D से आ रहा है समझ में ठीक हाँ एक्सेप्शन लिख देना बेटा एक्सेप्शनली बस बस लास्ट पॉइंट एक्सेप्शनली द साइज ऑफ जेड आर इक्वल टू एच एफ जबकि किसके साइज बड़ा होना चाहिए बोलो किसके साइज बड़ा होना चाहिए बोलो लेकिन दोनों का साइज बराबर कारण बताओ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अब ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अब ब्लॉक में पढ़ेंगे और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हर साल का 12th का क्वेश्चन है बाद में बताएंगे समझ में आ रहा है बेटा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बस हो गया तो एक किस पे बात की हम लोगों ने साइज पे दूसरा कैरेक्टर क्या था बेटा बोलो आईपी ना द आईपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल Extremely higher compared than S block metals. Extremely higher compared than S block and P block metal करना पड़ा मेटल में ये P block metal से भी ज़्यादा होता है और S block metal से भी ज़्यादा होता है Extremely higher compared than बोलो S and P block metal. Due to high effective nuclear charge. Due to high effective nuclear charge. हाँ ये जो आंसर की जान ये क्या है बेटा हाई बोला कि क्यों ज्यादा होता है आंसर बोलो ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली बाइंड करते हैं न्यूक्लियस के प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा लगती है क्यों इफेक्टिवली एक्टेट करते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होता है तो N-1D में फील होने के कारण क्या कम हो जाता है जिससे कौन बढ़ जाता है इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है क्योंकि देखो बेटा यस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में पी ब्लॉक एलिमेंट भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में नहीं न्यूक्लियस के करीब में भर रहा है तो न्यूक्लियस के करीब में भर रहा है तो इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है हाउ बोलना ठीक ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
और थोड़ा सा लिख दो लेफ्ट टू राइट, बेटा आपको मालूम है कि आईपी साइज के क्या होता है बेटा, इनवर्स। एक जनरल ट्रेंड जो होगा यहाँ लेफ्ट टू राइट आईपी जनरली इंक्रीजेस देन डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ने लगा ना, लेफ्ट टू राइट आईपी जनरली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, बस हो गया इतना सा लिख देना है। लेफ्ट टू राइट आईपी जनरली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इसका कारण पहले से ही लिख दिया हम लोगों ने, अरे वही दोनों का रेशियो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बेटा कॉपर जिंक तक कम हो जाएगा, पहले तो बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बेटा? आईपी। तीसरा क्या है? डेंसिटी है, कल्पना है।